सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने मंगलवार को खेले गए मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद के मुकाबले के दौरान शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके दम पर हैदराबाद की टीम ने मुकाबला जीता और प्लेऑफ की रेस में अभी भी बने हुए हैं। त्रिपाठी ने वानखेड़े स्टेडियम पर आईपीएल 2022 के 65वें मैच में मुंबई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और केवल 44 यानी कि 44 बॉल्स में 76 यानी कि 76 रन बना दिए। अपनी इस पारी के दौरान राहुल त्रिपाठी ने 9 चौके और 3 छक्के जमाए। राहुल त्रिपाठी ने मौजूदा सीजन में तीसरा अर्धशतक जड़ा। रांची के बल्लेबाज की पारी के दम पर हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 193 रन बनाए थे। राहुल त्रिपाठी जब क्रीज पर आए तब हैदराबाद का स्कोर 18 रन पर 1 विकेट था और अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। यहां से त्रिपाठी ने प्रियम गर्ग, जो कि उनके साथ अच्छी बल्लेबाजी करी, प्रियम गर्ग ने भी 42 रन का योगदान दिया था। दोस्तों अपने बल्ले से बहुत लंबे समय बाद ये नजर आए क्योंकि कैन विलियमसन का बल्ला शांत था। कैन विलियमसन ने अपनी जगह पर प्रियम गर्ग को उतारा, जो एक अच्छी रणनीति थी क्योंकि प्रियम गर्ग ने 26 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली और राहुल त्रिपाठी के लिए दूसरे विकेट के लिए 78 रन की एक मजबूत पार्टनरशिप दी। रमनदीप सिंह ने अपनी गेंद पर प्रियम गर्ग का कैच पकड़कर इस साझेदारी को तोड़ा। राहुल ने केवल 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने फिर निकोलस पुरन के साथ करीब 38 रन की, जो निकोलस पुरन ने 38 रन बनाए थे दोस्तों करीब 22 गेंदों पर, उनके साथ तीसरे विकेट के लिए 76 रनों की पार्टनरशिप करी। इसके बाद हैदराबाद को 170 रन तक पहुंचा दिया था आसानी से। राहुल की पारी खासियत ये रही कि वह कहीं ना कहीं निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे थे मुंबई गेंदबाजों के खिलाफ। मौजूदा सीजन में राहुल ने कई उपलब्धियां हासिल की। वह आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। मौजूदा आईपीएल में अब तक राहुल ने 13 मैचों में 39 की औसत से 393 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक जमाए हैं। त्रिपाठी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी राहुल त्रिपाठी हैं। 31 साल के राहुल त्रिपाठी ने हैदराबाद की बल्लेबाजों में से सबसे ज्यादा चौके जमाए हैं। उन्होंने अब तक 13 मैचों में 39 चौके लगाए। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज्यादा 19 छक्के भी लगाए हैं। आपको बता दें राहुल त्रिपाठी ने मौजूदा आईपीएल में निरंतर बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि कुछ मैचों में ये मैन ऑफ द मैच बने, जैसे कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच राहुल त्रिपाठी बने थे। हैदराबाद ने 194 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाया। जब मुंबई इंडियंस चेस करने उतरी तो 36 गेंदों पर 48 रन रोहित शर्मा ने 2 चौके 4 छक्के की मदद से मारे थे, तो वहीं ईशान किशन ने 34 गेंदों पर 43 रन 5 चौके 1 छक्के की मदद से। टिम डेविड ने अपने जो 18वें ओवर में बल्लेबाजी करी थी, टी नटराजन के खिलाफ 4 छक्के लगाए थे। मुकाबला पलट चुका था, 17 गेंदों में 46 रन बनाकर खेल रहे थे लेकिन 18वीं गेंद का सामना करा और सिंगल दौड़ने के चक्कर में टी नटराजन के द्वारा रन आउट हुए, तो वहां से मैच फंस गया और मुंबई इंडियंस की टीम 3 रन से आखिरी के 2 ओवरों में जब 19 रन चाहिए तब मैच हार गई। तो बुरा तो टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुआ, जो मैच जीता था वो हार चुके थे, लेकिन फिर भी दोस्तों राहुल त्रिपाठी की तारीफ करनी होगी। क्रूशियल मैच, करो या मरो मैच था, वहां रन बनाए इन्होंने। लेकिन गेंदबाजी में दोस्तों इमरान मलिक भी लगातार विकेट चटका रहे हैं, 3 विकेट इन्होंने भी चटकाए थे। अच्छी गेंदबाजी कुछ आखिरी ओवर में भुवनेश्वर के द्वारा भी हुई थी। राहुल त्रिपाठी इस मैच के हीरो बने और इस सीजन प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ आपको बता दें ऑक्शन में राहुल त्रिपाठी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। एक अनकैप्ड खिलाड़ी है लेकिन 8,50,00,000 की बड़ी कीमत पर यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने इन्हें खरीदा था। इनको खरीदने के लिए दोस्तों कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जैसी 3 बड़ी टीमें कतार में थी, लेकिन हैदराबाद ने 8,50,00,000 की बड़ी कीमत में इनको खरीदा था। बेस प्राइस इनका 40,00,000 था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।